अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कल पाकिस्तान में पाक सुजुकी ने अपने 3 वेरिएंट्स सुजुकी आल्टो के VX, VXR और VXL की जो है उसको लॉन्च कर दिया है। सो आज हम इस पे बात करेंगे कि जो अंदाजन प्राइस बता रहे हैं, क्या इन प्राइस में ये गाड़ी जो है पाकिस्तानी कस्टमर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा या फिर नहीं होगा, और मैं आपको ये गाड़ी रिकमेंड कर सकता हूँ, क्या आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। सो इस पे मैं कंप्लीट बात करता हूँ और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी कि आप सोच रहे होंगे कि हम ये गाड़ी ख़रीदें ना ख़रीदें, क्या करें। सो इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, इंशाल्लाह आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों के हवाले से अगर मजीद मालूम चाहते हैं और सुजुकी आल्टो की मजीद जो है आप पिक्स देखना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस देखना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले सुजुकी मेहरान VX और VXR 2 वेरिएंट्स थे जो हमारे कस्टमर के पास ऑप्शन होता था कि वो एक छोटी गाड़ियों में एक न्यू गाड़ी जो है वो खरीदते थे, लेकिन दिन ब दिन उनके प्राइस भी जो है वो इंक्रीज होते रहे। सो इस टाइम जो है उन्होंने सुजुकी मेहरान को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसकी जगह आल्टो के 3 वेरियंट्स लेकर वो आए हैं। आल्टो 660 सीसी में, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने 660 सीसी के इंजन में गाड़ी लॉन्च की है। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, एक है VX, एक है VXR और तीसरा जो है वो है VXL। अगर हम बात कर लें VX की, तो VX में ना तो आपको पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है, ना पावर विंडो मिलने वाली है, ना कोई एयर बैग मिलने वाला है, ना एयर कंडीशन मिलने वाला है, इवन के कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस बॉडी चेंज है और आपको समझ लें कि वही गाड़ी है जो आप VX पहले मेहरान ड्राइव करते थे। अगर हम VXR की बात करें तो ये सेम VX जैसी है, बस आपको जो एक एक्स्ट्रा उसमें चीज़ मिलने वाली है वो है उसका एयर कंडीशन। और अगर मैं पाकिस्तान की वेदर कंडीशन पे बात करूं तो पाकिस्तान में 660 सीसी के इंजन के साथ एसी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आपने चेक किया होगा सख्त गर्मी में जो जैपनीज आल्टो थी, जो आप लोगों ने इंपोर्टेड आल्टो देखी होगी, तो सख्त गर्मी में उसके एसी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी लूज़ हो जाती थी। तो VX में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वही VX है जो मेहरान में, ना AC ना कुछ भी नहीं है, ना पावर विंडो, यानी कि कोई फीचर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। और VXR में जस्ट आपको जो है एयर कंडीशन मिलने वाला है। तीसरा वेरिएंट उनका है VXL, ठीक है। VXL में जो आपको उसमें फीचर मिलने वाले हैं, उसमें पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, एयर कंडीशन है, ABS है, एयर बैग्स हैं और 5 इंच की LCD भी है। अब बात करते हैं कि इनके प्राइस क्या हैं, जो अंदाजन प्राइस हैं और तकरीबन यही प्राइस होंगे, अंदाज़ा लगाया गया है कि ये प्राइस होंगे, लेकिन इसमें होगा कोई 10-20 हज़ार का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर हम बात करें VX की, तो VX आपको मिलेगी 9,70,000 रुपए की, जिसमें 0,000 फीचर्स होंगे, कोई फीचर्स आपको नहीं मिलने वाला, और 9,70,000 रुपए की आपको ये मिलेगी सुजुकी आल्टो VX। अगर हम VXR की बात करें, उसमें जस्ट आपको एयर कंडीशन मिलने वाला है और वो गाड़ी आपको मिलेगी मेरे प्यारे भाई 10,50,000 रुपए की। अगर हम VXL की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एयर बैग, 5 इंच की LCD, ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और इसकी जो प्राइस है ये है 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख रुपए की प्राइस में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं VX की। अगर 9,70,000 रुपए में ये लोग VX दे रहे हैं तो ये हमें एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ये एक बार फिर हमें जो है पाकिस्तानी आवाम को समझो कि लूटने के मुतरादिफ होगा,
क्योंकि अगर आप 9,70,000 रुपए में एक गाड़ी लेने जा रहे हैं और उसमें आपको जीरो फीचर्स मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये गाड़ी कतन भी रिकमेंड नहीं करेगा। उससे हजारों लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है यूनाइटेड की ब्रावो। उसमें कम से कम हमें फीचर्स मिलने वाले हैं, एसी मिलने वाला है, उसमें फॉग लाइट्स मिलने वाली है, लाइरी मिलने वाले हैं। और अगर उस गाड़ी को मैं एज टू कंपेयर करूँ लुक वाइज, तो आपको वो लुक देती है सुजुकी कल्टिस जैसी, और वो गाड़ी आपको मिल जाएगी 8,95,000 रुपए की। आप लोग 9,70,000 में एक ऐसी गाड़ी क्यों बाय करें जिसमें आपको जीरो 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 फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं VXR की, तो वो वही VX है, बस उसमें इजाफी आपको एक AC मिल रहा है, और उसकी प्राइस अगर 10,50,000 रुपये है, तो आपके के लिए हजारों ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है कि आप उसके मुकाबले में एक बहुत ही अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। आप जैपनीज आल्टो खरीद सकते हैं इस प्राइस में, जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फॉग लाइट्स, रिम, एयर बैग्स, पावर स्टेयरिंग, इवन के वो फीचर्स जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप 10,50,000 के बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप VXR गाड़ी खरीदें जिसमें जस्ट आपको AC ही मिलने वाला है। अगर मैं VXL की बात करूँ, तो ठीक है, इसमें आपको एयर बैग्स, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, जैसे कि इसमें पहले मैं फीचर्स बता चुका हूँ, आपको मिलने वाले हैं, और इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी वो दे दें, तो 12 लाख रुपए की प्राइस में ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये गाड़ी खरीदें। ये अंदाजन प्राइस है, अगर ये प्राइस रही तो, हाँ, अगर इस जो प्राइस मैं बता रहा हूँ VX, VXR और VXL में 1-1 लाख प्राइस कम हो जाती है, तो फिर ऑप्शन है कि आप लोगों को मैं मशवरा दे सकता हूँ कि आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। क्योंकि फिर बंदा उस गाड़ी को थोड़ा प्राइस के साथ कंपेयर करता है, तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अगर गाड़ी में फीचर नहीं है तो हमें इस ऑप्शन में कोई और गाड़ी भी तो नहीं मिल रही। सो अगर ये प्राइस रहे तो मेरे प्यारे भाई, इसमें मैं आपको रिकमेंड कोई भी गाड़ी नहीं करूंगा कि आप जाकर जो है इस गाड़ी की कोई बुकिंग स्टार्ट करें। और मैं जो है ये एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से, कंपनी से जो पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है। और खसूसन मैं अपनी आवाम को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो है देखें, अगर किसी भी कंपनी को कामयाब या नाकाम करते हैं तो हम आवाम करते हैं, ठीक है। अगर हम उनकी गाड़ी ना ख़रीदें तो मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो उनकी प्राइस जो है वो कम कर देंगे, लेकिन बेवकूफ़ी तो हम लोग भी कर जाते हैं कि हम एक नॉकिस फीचर्स की गाड़ी बढ़िया प्राइस में लाइन में लग के हम लोग, यानी कि ज़्यादा प्राइस होती है जिसके फीचर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्राइस होती है, हम लोग लाइन में लग के वो गाड़ी जाके ख़रीदते हैं। सो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, आगे मेरे प्यारे भाई आपकी मर्ज़ी है। मैंने गाड़ियाँ आपको बता दी, उनके फ़ीचर्स आपको बता दिए, उनके प्राइस आपको बता दिए। जून तक ये गाड़ियाँ सुजुकी के शोरूम पर अवेलेबल होंगी। फिलहाल वो 5 लाख एडवांस की सूरत में जो है वो गाड़ी आपकी बुक कर देंगे, जून जुलाई तक वो गाड़ी जो है आपको मिल जाएगी। एक बार फिर आपसे, हुकूमत पाकिस्तान से और कंपनियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमसे इतनी प्राइस लेनी है, 12 लाख ही हमसे लेने हैं, और आप 660 CC की एक गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चर में दे रहे हैं, तो उससे हजारों दर्जों बेहतर है यूनाइटेड ब्रावो। तो फिर आप लोग यूनाइटेड ब्रावो को कामयाब करें यार। हम थोड़ा सा ना क्या करते हैं, हम 3 कंपनीज के पीछे लगे हुए हैं, टोयोटा, हुंडा और उसके साथ जो है ये सुजुकी वाले। इसे हटकर यार चाइनीज इंडस्ट्री भी हमारे कंट्री में है, हम थोड़ा सा जो है उनकी गाड़ियों की तरफ भी तवज्जो दें। जब थोड़ा सा कंपटीशन हाई होगा तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमें जो है कम प्राइस में एक अच्छे फीचर्स वाली गाड़ियाँ जो हैं वो मिलेंगी। सो मेरी एक टूटी फूटी इंफॉर्मेशन समझें या एक मेरी जाती राय समझें, हो सकता है आप लोगों में से 5% या 2% लोग ही मेरी इस राय से जो है वो इतफाक ना करें। मुझे उम्मीद है कि 98% लोग जो मैंने बात की है इससे जो है इतफाक करेंगे कि 9,70,000, 10,50,000 और 12 लाख, 3 आप क्या करते, एक वेरियंट हमें दे देते और उसमें फीचर आप वो दे देते जो फीचर हमें मिल रहे हैं अपना यूनाइटेड ब्रावो में, और आप प्राइस बेशक यूनाइटेड ब्रावो से 50,000 ज़्यादा रख देते सेम वही हमें, तो लोग थोड़ा सा जो है वो सुजुकी, क्योंकि एक ब्रांड है, ब्रांड को देखकर आपकी गाड़ी जो है सुजुकी वालों वो ख़रीद लेते। लेकिन आपने 3 वेरिएंट्स में तकसीम करके उनके प्राइस इतने ज़्यादा रख दिए हैं, फीचर हमारे सामने हैं। 12 लाख रुपये में को पागल होगा जो आपकी जो है VXL आल्टो ख़रीदेगा, वो तो बेहतरीन जैपनीज़ गाड़ी मीरा खरीद सकता है।
ڈائی ہارڈ سمیرا خرید سکتا ہے، اس کے بعد آلٹو جیپنیز خرید سکتا ہے، اور بھی بہت سی 660 سی سی میں گاڑیاں جو ہیں یار وڈز تک وہ خرید سکتے ہیں۔ وہ 12 لاکھ کے بجٹ میں 7-8 ماڈل زبردست خوبصورت گاڑی 9 ماڈل تک بھی اسے مل جائے گی۔ تو اس نے اتنی سی گاڑی جو ہے 660 سی سی والی، جو ہماری کنٹری پاکستان میں گرمیوں کے جہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں کے لیے وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوگی۔ سو نیکسٹ جو میں ویڈیو لے کر آ رہا ہوں بہت ہی زبردست ویڈیو ہوگی، آپ انتظار کریں۔ مجھے بہت سے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ زوار بھائی، یا میسج کر رہے ہوتے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے بجٹ کے مطابق کون سی گاڑی خریدیں۔ میں آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دوں گا کہ گاڑی خریدنے سے پہلے جو ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں ہم اپنے بجٹ کے حساب سے، یا وہ گاڑی ہمارے لیے سوٹیبل ہوتی ہے یا نہیں، یہ بہت ہی اچھی ویڈیو آنے والی ہے، ویٹ کر لیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ اپلوڈ کروں۔ تب تک کے لیے زوار اوان کو دیجئے اجازت، اپنا رکھنا بہت خیال، اللہ حافظ۔